जो लोग किताबों की तरफ रागब होते हैं तो यकीनन उनकी अपनी एक सोच बनती है, वो इनोवेटिव बनते हैं और उन्हें पता चलता है कि लोग होते क्या हैं, कैसे होते हैं। किताबें हम देख तो लेते हैं, ये पढ़ी हैं, लेकिन एक किताब लिखी कैसे जाती है, लिखता कौन है, कभी एक पैरा भी कोई लिख के देखे ना कि अपनी क्रिएशन दे, अपनी सोच को दे, तो ये चीज़ें कोई आसान काम नहीं है। आप कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, नकल तो कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सही मानों में अपने नज़रियात, ख्यालात और इन सब को एक डिसिप्लिन में ला के किताब में ले के आना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इन चीज़ों का ऐसा ऐसा रिवाज कम होता जा रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश यही थी कि ये चीज़ें बच्चों को बताई जाएँ, समझाई जाएँ, वरना बच्चे पहले भी किताबें तो पढ़ते हैं, कोर्स की पढ़ते हैं, ज़रूरत के तहत पढ़ते हैं, रट्टे लगा लिए, तैयारियां कर ली, जो भी है, लेकिन वो चीज़ को सही मानों में समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो इन किताबों को पढ़ने से मुख्तलिफ हकायक सामने आते हैं, सच्चाइयां सामने आती हैं और फिर एक शौक़ भी पैदा होता है, ख़ुद ब खुद इनोवेशन पैदा होती है बच्चों में, खुद ये काम करने को, लिखने को दिल करता है। तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है हमारे मुआशरे में कि एक रवैया ऐसा अपनाया जाए कि इंसान किताब की तरफ आए और इस चीज़ की तरफ आने से बहुत ही मुस्बत एक रुझान मुआशरे में पैदा होगा। काले जाजा में ये दूसरा किताब मेला मुनक़िद हो रहा है और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम पब्लिशर्स के जो यहाँ पर आए और अपने उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं और इंतहाई सस्ते दामों पर बेहतरीन किताबें यहाँ फराहम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और असातिज़ा के लिए। बतौर ख़ास खसूसी रियायत पर ये किताबें दे रहे हैं और हम आने वाले मेहमानों को भी यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं। कल यहाँ पर गवर्नमेंट विमेन कॉलेज कैंट से स्टूडेंट्स और असातिज़ा तशरीफ़ लाए और वहाँ जहाँ से किताबें जो है ख़रीद कर गए। आज जनाब कॉलेज से असातिज़ा तलबा आए हैं तो हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। देखिए किताबें जो हैं इल्म के ख़जाने हैं और इल्म के मोती इनमें छुपे हुए हैं। वो लोग जो सदियों पहले हमसे जुदा हो चुके हैं, आला ज़हन उलमा फौजला, और आज वो तहखाक हैं, तो उनके साथ भी हम इन किताबों के ज़रिए हम कलाम होते हैं और वो हमारे साथ हम कलाम होते हैं। उनके नज़रियात, उनके ख़यालात से हम इन किताबों के ज़रिए आशराई हासिल करते हैं। तो गोया हम इन किताबों के ज़रिए सदियों का सफ़र तय कर लेते हैं और अनदेखे लोगों से भी मिल लेते हैं और अनदेखे मकामात तक भी हम इन किताबों के ज़रिए पहुंच जाते हैं। तो ये किताबें हमारे लिए पेश बहा सरमाया है और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे इनमें भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब आम लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, तो नौजवानों को किताबों की तरफ रगबत देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MSU क्रिएशन यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा में मौजूद हैं और यहाँ पर बुक फेयर का इनेकाद हुआ है 26, 27 और 28 फरवरी तक। आज नाज़रीन 28 फरवरी है चूँकि, और आज इस बुक फेयर का आखिरी दिन है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद फिरोज़ हैदर शाह बुखारी साहब। नाज़रीन, आज हम इनसे इनका ओवरव्यू लेंगे इस बुक फेयर के इनेकाद के हवाले से कि इन्होंने इस बुक फेयर को कैसा पाया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने इस बुक फेयर मेला को कैसा पाया? जी, मैं तो इन बुक फेयर्स को बहुत एक्साइटेडली लेता हूँ। मुझे तो आजकल के दौर में भी किताब की अफादियत पे प्रॉपर यकीन है और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया से ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है कि आप बुक रीडिंग करें। सोशल मीडिया में बच्चों को शौक है पढ़ने का, लेकिन सोशल मीडिया से आपकी आंखें थकती हैं, आपका दिमाग ख़राब होता है। अगर आप किसी किताब को उस पर तरजीह दें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर सेटिस्फाइंग किस्म का एक्सपीरियंस है। तो मैं तो किताब फेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ और अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी सिर्फ मोटिवेट करता हूँ, सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं इनको सिर्फ मोटिवेट करता हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी आजकल के सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी न्यू जनरेशन है, वो सोशल मीडिया की तरफ रागब हो रही है और बढ़ती चली जा रही है और मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, तो क्या बुक की तरफ प्रायोरिटी, बुक की तरफ जाना आज के दौर में मुश्किल नहीं हो गया?
देखिए सोशल मीडिया की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जाके हम कितना को फोकस होके इन चीज़ों को सर्च करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर फोकस का चला जाना आम काम है, क्योंकि 5 सेकंड के बाद अगली वीडियो आ जानी है, 30 सेकंड के बाद अगली वीडियो आ जानी है, फोकस आपका है कोई नहीं। कम अज़ कम किताब के ऊपर फोकस का फुकदान नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में भी लोग कहते हैं कि जी ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। जी हाँ। मैं समझता हूँ कि किताबों से इश्क की सदी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये दौर कभी ख़त्म नहीं होगा। सही। हमेशा किताब लवर बुक लवर्स रहेंगे, आइंदा इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी वीडियो से भी इस्तेफादा हासिल करते हैं और आपकी वीडियोज़ में ये बात देखते रहते हैं कि जो सोशल मीडिया है और जो बुक्स है इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब आपकी मैंने एक वीडियो देख रहा था तो उसमें आपने इसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स बताए थे, तो आपको क्या लगता है कि बुक्स पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने से हमारा फोकस ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ। और बहुत ही मशहूर हमारे माहरीन नफ्सियात हैं जिन्होंने इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिनका लुबे लुबाव ये है कि किताब पढ़ने से आप दुनिया को जानते हैं। जी हाँ। किताब पढ़ने से आपका फोकस बेहतर होता है। जी हाँ। और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, चाहे सोशल मीडिया का दौर है या जिस तरह का भी दौर है, कि आप किताब पढ़ें ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इसको ज़्यादा मैं सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस तसव्वुर करता हूँ। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया, तो अब भी आपका यही एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा कि किताबें बेहतर हैं, किताबों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, अब भी आपका यही एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा क्या? देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार कर लें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर अपना बिला वजह टाइम ज़ाया ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया कोई ख़तरनाक चीज़ है, उसको इस्तेमाल करें लेकिन एक ज़रूरत के तहत। लेकिन मसला ये है कि हमारी यूथ में ये एक एडिक्शन बन जाती है, वो इसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो काम ना करें, आप अपना टाइम सोशल मीडिया पर ज़ाया ना करें, पर्पज़फुली इस्तेमाल करें। किताब के अंदर कम अज़ कम इतनी ऑप्शनें नहीं आती कि बार बार आपका फोकस ख़राब हो। इसीलिए मैं अब भी किताब के हक में ही हूँ कि किताब रीडिंग इज़ अ मच बेटर एक्सपीरियंस देन गूगलिंग ऑन सोशल मीडिया। आप किताब को आज भी अपना बेहतरीन दोस्त तसव्वुर कर सकते हैं। जी सर आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, मुझे एक चीज़ समझ आई है आपकी वीडियोस देखकर कि आप हमेशा ये तलकीन करते हैं कि सोशल मीडिया से बेहतर किताबें हैं, क्योंकि किताबों से हमें मेडिकली भी फ़ायदे होते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे मेडिकली फ़वाद हैं जो बुक से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया से नहीं होते? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप 20 मिनट्स सोशल मीडिया सर्च करते हैं ना मोबाइल के ऊपर, जी हाँ, तो आपके दिमाग में एक वायरस का साइकिल बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ। अगर आप 20 मिनट्स के बाद नज़रें नहीं हटाते तो वो अब वायरस अपना साइकिल पूरा कर लेता है। जी जी। जबकि किताब के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि आप ऑस्ट्रेलिया में जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आप किताब बीनी को अपनी हैबिट बनाते हैं तो जितनी रेज मोबाइल के ज़रिए आपके दिमाग और आंखों में गई हैं वो सारी वो किताब जज़ब कर लेती हैं। इसके ऊपर प्रॉपर अब रिसर्च हो रही है, ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है। जी। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने अपना जो आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपसे पाए, मुझे बेहद खुशी हुई। आखिर में मैं यही चाहूँगा कि आप इस बुक स्टॉल के हवाला से दोबारा से इंतज़ामिया की और इंतज़ामिया का इन पब्लिशर्स के साथ जो एटीट्यूड रहा, बिहेवियर रहा, उसके हवाले से थोड़ी रहनुमाई दें। अच्छा, इनके साथ में रवैया किस तरह करा वो तो ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर माशाल्लाह हर तरह की बुक्स मिली हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो कलेक्शन है वो बहुत ही अपडेटेड है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे आपको आपकी पसंद की किताब यकीनन मिलेगी। माशाल्लाह मेरे लिए बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट ईयर का भी और इस ईयर का भी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बुक फेयर। सर थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन हम प्रोफेसर आसिम अली साहब से कुछ सवालात पूछेंगे इस बुक फेयर के हवाला से, तो चलते हैं आसिम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बुक फेयर 2024 इस कॉलेज में दूसरी दफ़ा इसका इनेकाद हुआ है, आप इसके हवाला से क्या सुखन रखते हैं? देखिए ये किताब मेला लगवाने का जो बुनियादी मकसद था हमारा वो ये था कि किताब और कारी के दरमियान जो एक फासला पैदा हो गया है उस फासले को किसी तरह से कम किया जाए। दूसरे नंबर पे आजकल का जो महंगाई का दौर है जिसमें हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कागज़ भी उसी तरह से महंगा होता जा रहा है, तो जो नई नई किताबें आ रही हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर हैं।
तो यहाँ हमने जिन लोगों को बुलाया, जिन पब्लिशर्स को बुलाया, उनके साथ हमारा बुनियादी एग्रीमेंट यही था कि वो हमारे बच्चों को सस्ते दामों किताबें देंगे। तो वो तमाम बच्चे ख़ास तौर पे जो महंगी किताबों को नहीं ख़रीद सकते थे, उनको डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे किताबें जो हैं वो दी जा रही हैं और उससे वो भरपूर इस्तेफादा भी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपको मालूम है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो किताब के साथ अपनी दोस्ती को, अपने ताल्लुक को कायम रखती हैं, क्योंकि दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा राज जो है वो किताबों के अंदर पिनहा है। और मैं समझता हूँ कि किताब जो है वो एक शऊर का नाम है, किताब एक आगही का नाम है, और जिन कौमों ने किताब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखा आज वो कौमें दुनिया के अंदर सुरखरू हैं, कामयाब हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम उन्हीं कौमों का है जिन्होंने अपने ताल्लुक को किताब के साथ कायम रखा है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की वजह से ये जो जिंदा दिली का ताल्लुक था स्टूडेंट्स का और किताबों का, ये टूट चुका है? मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक टूट चुका है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो असातिज़ा इकराम है, अगर वो बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन दें तो आज उस टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा से बहाल किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछले साल भी किया और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक रश आप देखते हैं अगले पहर भी, पिछले पहर भी इंस्टॉल्स के ऊपर, तो ये उसी रहनुमाई का नतीजा है और ये बच्चों की किताब के साथ दिलचस्पी और मोहब्बत का नतीजा है कि वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं इस किताब मेले के अंदर। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर हम स्टडी करते हैं, इस पर जो हेल्थ पर जो इंसान की असर पड़ता है बुक और सोशल मीडिया, यानी कि मोबाइल फ़ोन उसकी मॉडर्न फॉर्म है, इसमें आप हमें बताएंगे कि बुक ज़्यादा इफेक्टिव है या सोशल मीडिया ज़्यादा इफेक्टिव है? बुक ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तो आपको एक जो मेयारी मवाद है वो नहीं मिलता, जी हाँ, वहाँ तो फेक मवाद का इस वक्त जो है वो अजारादारी है सोशल मीडिया के ऊपर, जी हाँ। दूसरे नंबर पे जो मेडिकल साइंस है वो भी यही कहती है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, नुकसानदेह है। तो ऐसे में एक तालिबे इल्म जो है वो किताब को पढ़ के मेरे ख्याल में ना सिर्फ अपनी सेहत को बचा सकता है बल्कि अपनी मालूमात के अंदर इजाफा भी कर सकता है, अपने अंदर शऊर और आगाही भी पैदा कर सकता है। जबकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो आजकल के नौजवान को असल में पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो उसके मस्बत इस्तेमाल की बजाय मनफी सरगर्मियों के अंदर ज़्यादा मुलविस हो जाता है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि कोशिश की जाए कि उसका ताल्लुक जो है वो किताब के साथ जुड़ा जाए, ना कि सोशल मीडिया के साथ। इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, जो स्टूडेंट्स गरीब हैं, यानी कि जिनका बैकवर्ड एरिया गरीब है या बैकग्राउंड गरीब है, पुअर फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो वो तो बेचारे मोबाइल को ही प्रायोरिटी देंगे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो मोबाइल को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, उसकी वजह यह है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं, वो उनकी पहुंच से दूर हैं, जबकि यहाँ आपको देखा कि 200-300 में अच्छी किताबें मिल रही हैं। तो एक बच्चा मेरे ख्याल में वो 200-300 की किताब को प्रेफर करेगा, ना कि वो 50,000 या लाख रुपए की मोबाइल करेगा। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सी सहूलियात हैं, कि बल्कि यहाँ हमने देखा कि जो बच्चे थोड़े गरीब थे उनको मुफ्त किताबें भी दी जा रही हैं। जी जी, मैंने देखा। जी जी सर, माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई और ये मैं आपकी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपने इन बुक फेयर का इनाकाद करवाया, और मैं इंतज़ामिया का भी बेहद मशकूर हूँ। और सर, लास्ट में आप कुछ जो है अपनी आरा, अपनी ज़ाती जो एक्सपर्ट ओपिनियन है इस बुक फेयर के हवाले से जो है उसका इजहार करें। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसमें ये जो बुक फेयर है इसका सारा क्रेडिट जो है वो सरबराह इदारों को भी जाता है, यहाँ के स्टाफ को भी जाता है, जिनके तआवुन के साथ हमने इस किताब मेले का इनेकाद किया। सर, क्या नाम है आपका? सर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा में बुक फेयर का इनेकाद हुआ 26, 27, 28 फरवरी, आखिरी दिन है माशाल्लाह, और आज इनका रुखसती का दिन है, और आप माशाल्लाह चिनाब कॉलेज से यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, ये रुखसती के दिन हमने कांदा दिया है जी बुक फेयर को। जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत दिनों के बाद सोशल मीडिया के इस दौर में जब जो बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े, बल्कि पूरी कौम देख ले, पूरी दुनिया देख ले, जो एक स्क्रीन पे पड़ी होती है, उसको एहसास दिलाया है कि वो स्क्रीन में जो कुछ मिलता है उसकी कोई सनद नहीं होती, वो झूठ है, और जिसकी वजह से कौम में भी यकीन नहीं पैदा होता। तो ये बेसिकली बुक्स ही हैं जो आपके अंदर जो है वो सनद और असल पैदा करती है, जिसकी वजह से आप में जो है वो जिसको कहते हैं ना कि ताकत आती है, चूँकि आपके पास सनद होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए, और यहाँ बच्चों का जोश देखकर और बच्चों की रगबत देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं जब ये बच्चों के साथ आया था तो करीबन 30 बच्चे हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि 2-4 बच्चे बुक्स खरीदेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा है कि हर बच्चे ने कोई ना कोई किताब ज़रूर खरीदी।
और ये बहुत अच्छी चीज़ है इस कॉलेज में और इस एरिया में ऐसा जो है स्टॉल नहीं लगते हैं और ये बुक्स जो हैं बड़ी जो है मुनासिब कीमत पर बच्चों को मिल रही है, बड़ा तावन किया जा रहा है और ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये अभी हमने ले लिया। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।